हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनटीए नेट दिसंबर 2019 के लिए पेपर वन का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आज बात करेंगे नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो अगर आप इसका पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो या आप नेक्स्ट स्लाइड में जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा। ये पेड ग्रुप है, जिसकी फ़ी बहुत मिनिमम रखी गई है, जिसमें आपको सिस्टमेटिक वे से मटेरियल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 पेपर 2 का अगर आप घर बैठे मटेरियल बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको फुल कोर्स पीडीएफ चाहिए आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आप वो भी ले सकते हैं। एक ही बार में सारा कोर्स दे दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा इस नंबर पर। दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर, आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। देखते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। द वर्ड कम्युनिकेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेट, विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू शेयर और टू मेक कॉमन। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है क्या, कम्युनिकेशन का ये कहाँ से लिया गया, ये लैटिन वर्ड जो कम्युनिस से लिया गया है, ठीक है, तो जिसका मीनिंग क्या है, कॉमन। अब देखिए कि होता क्या है कि कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं। देखिए, जब हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, जब हम नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि आपने कोई अपने फ्रेंड को बात कहनी है, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के जरिए उसको कॉल करके उसको बात कह रहे हो, तो आप तो अपने फ्रेंड को नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हो, पर वो किसके माध्यम से, कौन सा मीडियम है, वो है मोबाइल, उससे आप कम्युनिकेशन वो है जो कर रहे हो, ठीक है। यानी कि एक नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, वो किसके ज़रिए होता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। इट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड कॉमन, विच मीन्स दैट ओपिनियन ऑफ समवन, ठीक है। देखिए, सिडनी जे हैरिस का कहना है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपको मैं राइटर का ये बताता हूँ, तो आपको ये पेपर में आ सकता है ऐसे, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे वो, ठीक है। द टू वर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आर ऑफ्टन यूज इन इंटरचेंजेबली, बट दे सिग्निफाई क्वाइट डिफरेंट थिंग। अब देखिए, इनका कहना ये है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को क्या करते हैं कि जो है कई बार इंटरचेंजेबली, यानी कि होता क्या है कि कई बार इसको यूज़ हम कर लेते हैं वैसे, ठीक है, पर दोनों में डिफरेंट होता है काफ़ी हद तक, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज़ गिवन आउट, कम्युनिकेशन इज़ गेटिंग थ्रू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जो आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचना है वो आपको प्रदान की जाती है। कम्युनिकेशन क्या है, जो हम किस चीज़ से कोई चीज़ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में दोनों ही जो चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्ट होती है। मान लीजिए आप टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया कि वो जीत चुके हैं, तो आपने वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे, आपने टीवी पे देखा होगा, तो वो आपको पता चल रहा था कि मोदी जी जीत चुके हैं, तो आपको कैसे पता चला, वो आपको दिया गया था टीवी के जरिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम आपस में बातें करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हो, आवाज़ पहुँचा रहे हो, ठीक है, यानी कि ये मान के चलो कि जैसे टीवी से आपने ये पता चल गया, टीवी से मोबाइल से आपको पता चल गया कि मोदी जी जीत गए हैं, ठीक है, तो आप वही न्यूज़ अपने फ्रेंड को सुना रहे हो फ़ोन करके। जब आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, ठीक है, वो है कम्युनिकेशन। तो जो आपने टीवी या मोबाइल के ज़रिए प्राप्त किया है वो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जैसे मैं आपको ये वीडियो करवा रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब कब होगा, जब आप मेरे को फ़ोन करोगे, ठीक है, जब मैं आपके सामने होऊंगा या आप मेरे को फ़ोन करोगे, वो क्या है, कम्युनिकेशन। अभी आपको क्या मिल रहा है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो दोनों में छोटा सा ये डिफरेंस है। वेबर्स डिक्शनरी एज सेंडिंग, गिविंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, विच इज़ ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड
नॉन वर्बली एंड वर्बली। अब देखिए वेबर्स डिक्शनरी में क्या है, देखिए जो हम नॉलेज को देते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन को, आइडिया को जब हम एक्सचेंज करते हैं, जो देते हैं, तो वो होता क्या है, वो वर्बली और नॉन वर्बली दो तरीके का होता है। वर्बली में हम बोलते हैं, नॉन वर्बली में हम बोलते नहीं हैं, ठीक है। हम कई मैसेज ऐसे पहुँचाते हैं जिसमें हम बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अब हमने कम्युनिकेशन की अब हमने डेफिनेशन की थी, अब हम इसके करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए करैक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या है कम्युनिकेशन की। सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन इज असेंशियल ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी से बात करोगे, आप अकेले तो बड़बड़ाओगे नहीं, है ना, लोग तो आपको पागल समझेंगे ऐसे अगर आप अकेले से बातें करोगे खुद से। जब आपके सामने कोई बैठा हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, भाई बहन से, माता पिता से, ठीक है, मदर फादर से बातें करोगे सामने बैठ के, तो वह है कम्युनिकेशन। तो वो है टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आपको दोनों साइड से रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। आप किसी को फ़ोन करोगे, जैसे आप उससे बात करोगे, वो आपकी बातें सुनेगा, उसके वो उसका जवाब भी देगा, वो क्या है कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस। यानी कि टू वे प्रोसेस क्या है, जब हम आइडिया को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, हमें दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो है टू वे प्रोसेस। द बेसिक पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए बेसिक पर्पज़ क्या है कम्युनिकेशन का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी कि बेसिक पर्पज़ क्या है, हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, कि ताकि हमें जो चीज़ हमें जो समझ आ सके, हम जो चीज़ कहने जा रहे हैं वो समझाई जा सके, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, ताकि जब हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। अब आप देखिए बिना बात से तो आप किसी से कम्युनिकेशन करोगे नहीं, है ना, बिना बात से तो आप किसी को फ़ोन करोगे नहीं। तो अगर आपको कोई आपका गोल है, जैसे आपको अभी स्टडी मटेरियल लेना हो, तो आप मेरे को फ़ोन करोगे, बिना बात से फ़ोन थोड़ी करोगे, है ना फ्रेंड्स। तो वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ इंटर डिसप्लिनरी साइंस, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, इंटर डिसप्लिनरी साइंस है, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या है, सेंडर और रिसीवर दोनों होता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, देखिए फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के जरिए क्या दिया जाता है, कम्युनिकेशन के जरिए दी जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जैसे किसी को फ़ोन लगाया, तो आप क्या हो, सेंडर। यानी कि जो मैसेज पहुंचा रहा है, ठीक है, यानी कि आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो कल की छुट्टी है, ठीक है, कल आपके कॉलेज में हॉलीडे है, तो आपने अपने फ्रेंड्स को बताना है, अपने दोस्त को बताना है कि कल कॉलेज में छुट्टी है। तो आप अपने दोस्त को मैसेज देने जा रहे हो, फ़ोन करके बता रहे हो कि कल छुट्टी है, ठीक है। तो होगा क्या उसमें, कि आप जैसे फ़ोन करोगे तो आप क्या हो गए, सेंडर। यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप हो गए सेंडर। अब जो आपका दोस्त बात करेगा, तो वो क्या है, वो है रिसीवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है उसे कहते हैं सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाला या उसको लेने वाला होता है रिसीवर, ठीक है। आप हुए सेंडर, आपका दोस्त हुआ रिसीवर। तो उसके बाद जो तो आपने क्या दिया उसको, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसने क्या लिया, उसने इन्फॉर्मेशन ली, किसके जरिए ली, कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जरिए क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है फ्रेंड्स। आपके घर में टेलीफोन जैसे है, जैसे पहले ज़माने में टेलीफोन लगा करते थे, टेलीफोन का जो जिससे हम पकड़ के बात करते थे उसे रिसीवर बोलते हैं, ठीक है, इनके मैसेज रिसीव कर रहे हो उसे। कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, ये कभी ना थमने वाला, कभी ना रुकने वाला क्या है, ये एक कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है, ये लगातार चलता ही रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही है। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए अभी क्या है, कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप काम के लिहाज से भी बात कर सकते हो, आप बिना काम के भी फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको अपने दोस्तों की याद आए, तो आप उनको वैसे बात कर सकते हो, तो वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मल में आप कोई मैसेज पहुँचा रहे हो, तो ये। तो नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन की नेचर है क्या, ठीक है, यानी कि ये क्या क्या, देखिए इसकी प्रकृति क्या है। टू और मोर पर्सन, देखिए कम्युनिकेशन में क्या है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। सेंडर, हु सेंड द मैसेज। देखिए सेंडर, कम्युनिकेशन में सेंडर होना बहुत ज़रूरी है, बिना सेंडर के मैसेज कैसे दे पाओगे।
तो इसलिए कम्युनिकेशन में सेंडर ज़रूरी है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को पहुंचाता है। रिसीवर भी होना चाहिए। मैसेज पहुंचाने वाले तो ऐपर को रिसीव करने वाले हैं, तो क्या होगा? रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा। टू वे प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हुज कंटिन्यूस फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स गलत लिखोगा, शेयरिंग नहीं शेयरिंग आएगा यहाँ पे, या कि यहाँ गलत से लिखो गया। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आपस में जब बात करेंगे वो होगा टू वे प्रोसेस। तो ये लगातार इसमें फीडबैक मिलता रहता है। फीडबैक में होता है ना, जैसे आपको वही आपका फ्रेंड जो है बात करता है तो आप उसकी बात करते, वो हाँ हाँ कहता रहता है ना, तो वो क्या फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है, कुछ देर ना बोले तो आपको ये लगेगा कि उसको आवाज़ पता नहीं पहुँच नहीं रही। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कुछ आप जिससे से बात करोगे तो आगे से आपको हाँ हाँ में जवाब देता रहेगा, तो वो क्या है, वो होगा कंटिन्यूस फीडबैक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज इन इंक्लूड फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन एंड इमोशन आर ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। देखिए, आप जो मैसेज पहुंचाने जा रहे हो वो मैसेज कई तरह का हो सकता है। आप जो मैसेज में क्या है, मैसेज में फैक्ट है, मैसेज में आइडिया, मैसेज में ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन है, इमोशंस है। आप किसी को दुख भरा मैसेज सुनाओगे, है ना, दुख का मैसेज सुनाओगे आप किसी को कि आज ये हो गया, है ना, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या है? ठीक है, वो रिसीवर को पहुँचेगा, उसमें क्या आपका इमोशंस है। ठीक है, आप मैसेज किसी को खुशी का सुनाओगे, जैसे आपके घर में किसी की शादी, आपके भाई बहन की शादी है किसी की, तो आप उसको मैसेज दोगे। ठीक है, तो ये क्या है मैसेज, यानी कि कई तरीके का होता है मैसेज में, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन सब कुछ होता है। ठीक है, जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे मैसेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। देखिए, कम्युनिकेशन इज एन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द सेवरल साइंसेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, क्योंकि देखिए नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है कि नॉलेज तो कई सोर्स से प्राप्त की जाती है, कई सोर्स के से ली जाती है। ठीक है, आप ये देखिए कि एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें जिसमें ह्यूमंस की या ह्यूमंस बिहेवियर या सोसाइटीज़ की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी जिसमें हम स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, जब हम साइकोलॉजी देखते हैं ना कि साइकोलॉजिकल तौर पर के व्यक्ति कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, ये चीज़। सोशियोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ द वोटिंग बिहेवियर। अब इसमें है क्या, देखिए अब इसमें है क्या कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जब हम देखिए अगर हम पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उससे अब अगर हमें कोई नॉलेज मिलती है, ठीक है, तो उससे हम कोई नॉलेज मिलती है तो दोस्तों में शेयर करते हैं, साइकोलॉजी से कोई नॉलेज मिलती है शेयर करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से मिलती है शेयर करते हैं, तो है क्या कि जो ये सारे कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सारे साइंस के अंदर आएंगे। दुनिया का सबसे पहला सब्जेक्ट था फिलॉसफी, उसके बाद सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो हम नॉलेज लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, तो वो साइंस के कई चीज़ों से, कई सब्जेक्ट से हम उसको लेते हैं। ठीक है, देखिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में इज फ्लो अप टू डाउन। ठीक है, यानी कि आप देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन सा है, जब एक मैनेजर अपने क्लर्क से बात करेगा, यानी कि हाई पोस्ट का आदमी किससे बात करेगा, अपने जूनियर लेवल से। ठीक है, डाउन टॉप क्या है, जब जूनियर लेवल का जो ऑफिसर है वो हायर लेवल ऑफिसर से बात करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए, कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस विच यूज एवरीवेयर थ्रू नेचर, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमंस। देखिए, ये बात तो है नहीं कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, इंसानों के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा भी और बर्ड्स के द्वारा भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी सारे ही जो है कम्युनिकेशन जो है वो सब में होता है। ठीक है, आपने जो पक्षी हैं, बर्ड्स, आपने उनको कौओं देखो कहाँ कहाँ करते हुए सुना होगा, चिड़िया को चहचहाते देखा होगा। ठीक है, इंसानों की तो आप बात ही छोड़ दो, ठीक है, वो तो कई तरह से कम्युनिकेशन करते ही हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि वो सारे, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई डॉगी है, जैसे वो भौंक रहा है ना, तो आप देखना कि दूसरा कुत्ता चाहे दूसरी गली में, वो भी भौंकेगा, क्योंकि वो उसे उसका जवाब दे रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सब में होता है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। मीडियम, देखिए
देयर आर डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सच एज, देखिए इसमें काफ़ी कई तरह के मीडियम हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या देखेंगे हम, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट एट्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए इलेक्ट्रॉनिक आपको ये पूछ लेंगे जी, यानी कि जो टेलीफोन है वो किसके अंदर आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। प्रिंट मीडिया देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जैसे हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं वायर लगी होती ना, इंटरनेट भी हम जैसे वाईफाई के इस्तेमाल करें घर पे या मोबाइल से बात करें, मोबाइल हमारा चार्जिंग होगा, तो ये कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आएगा ना। प्रिंट मीडिया में क्या है, जहाँ पे प्रिंट होगा चीज़ों का, तो उसमें क्या आएगा, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल, ठीक है, यानी कि अखबार, किताबें और रसाले। ऑडियो में क्या आएगा, ठीक है, रेडियो, वायरलेस, मोबाइल एंड टेलीफोन, ठीक है। देखिए मोबाइल जो टेलीफोन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ऑडियो में दोनों में आएगा। ऑडियो विजुअल क्या है, जो आप चीज़ें देख भी रहे हो आप सुन भी रहे हो, जैसे टेलीविज़न है उसमें आप चीज़ों को देखते हो सुनते हो, सिनेमा है, ठीक है, आप उसे, ठीक है, ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, ये सारे इसमें आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए अंडरस्टैंडिंग द फीड एंड फीडबैक। अब देखिए कम्युनिकेशन में है क्या, अंडरस्टैंडिंग होती है और हमें फीडबैक है, यानी कि जब आप किसी से फ़ोन पर बात करते हो, ठीक है, या आपको सामने बैठ के आप किसी से बात करते हो, ठीक है, मान लीजिए क्लास में एक टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बातों को समझोगे, ठीक है, आप उसकी बातों को समझोगे, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अब आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप उसको उसका क्वेश्चन का आंसर करोगे या कुछ करोगे, तो वो क्या होगा, फीडबैक, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय गिविंग फीडबैक, पर्सुएडिंग अदर्स एंड इलिसाइटिंग एक्शन। देखिए इसमें है क्या, बेसिक पर्पस यह है कम्युनिकेशन का, कि ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिंपल सी बात फ्रेंड्स, आप यहाँ पर याद रखिए कि अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक कम्युनिकेशन में होना बहुत ज़रूरी है, होता भी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में अगर हमें कोई चीज़ समझ आती है तो हम उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो साथ में हम उसका जो अगर प्रतिक्रिया देते हैं कि हमें वो चीज़ समझ में आई कि नहीं, वो क्या है, फीडबैक, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन भी करते हैं, अभी लेक्चर काफ़ी पड़ा हुआ है, आपको ये एक घंटे के आसपास हो जाएगा, तो आप इसको अंत तक पूरा देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको काफ़ी टॉपिक मैं कवर कर दूंगा कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स इसमें से क्या है, ये जून 2015 क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है, आप ये ऑप्शन एक बार पढ़ लो, ये भी पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, ए बी सी डी सही है। फ्रेंड्स देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो तकरीबन स्टूडेंट को यहाँ पे क्या होता है कि बहुत दिक्कत आ जाती है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते क्यों हैं, इसलिए आते हैं क्वेश्चन कि ताकि आपने कितना डीपली लेवल से पढ़ा है, आपने कितनी गहराई से पढ़ा है, ठीक है, इसलिए वो चेक करने के लिए आपको एक क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों को चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री स्पोज। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, देखिए ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था, देखिए नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी या अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 3 लिखोगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है गलती से, तो 4 आएगा इसका, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री स्पोज का क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि अगर आप किसी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने किसी को कोई बात समझाई या आपको किसी ने बात समझाई, अगर आपके वो समझ में आ गई, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो कौन सा हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जैसे आप, ठीक है, किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुन रहे हो, वैसे आजकल आप सुनते तो हो नहीं किसी की बात, पर फिर भी आप किसी अपने दादा की या आप अपने पापा की किसी की बड़े की बात अगर सुनोगे, तो अगर आप उनकी बातों पर, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।